अरे वहां में रखा करो। हाँ ले लाइट लॉस में ठीक ठाक है तू? बढ़िया है, तबीयत तो ओके है? चेक करना। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ओके, गुड मॉर्निंग दीक्षा। 15th अप्रैल। स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग खुशबू। सो ईरान इज़राइल, द अदर डे आई टोल्ड यू समथिंग। क्या बताया था मैंने आपको ईरान और इज़राइल के बारे में? हमने कुछ डिस्कस की थी, कोई खास चीज। व्हाट वाज इट? हमने ये डिस्कस किया था कि लड़ाई किस में चल रही है, इज़राइल और हमास में चल रही है। लेकिन हाँ, हमास के पास जो बेचारे खाना भी नहीं खा सकते, जो आतंकवादी हैं, जिनका कोई प्रोफेशन नहीं है, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनको इतने महंगे, इतने बढ़िया हथियार, इतने रॉकेट कहां से मिले होंगे? तो दैट ऑब्वियस आंसर वाज व्हाट? ईरान। ईरान से मिले होंगे उनको। और ईरान, ईरान के ऊपर कितने सालों से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया हुआ है। इंडिया ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना क्या बंद करा, कैट सा भी लग गया, जो हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जा रहा है, जो ईरान से फिर अजरबैजान फिर रशिया, वो कॉरिडोर भी बंद पड़ा है। ईरान का तेल कोई खरीद नहीं रहा, तो चाइना और रशिया ले रहे हैं। चलो, ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल बंद हो चुकी है, अकाउंट सारे फ्रोज हो चुके हैं, फ्रीज, दे हैव फ्रोजन ऑल द अकाउंट्स। सो हाउ इज ईरान डूइंग इट? ईरान इज डूइंग इट वाया चाइना एंड रशिया। सिंस इज़राइल इज बीइंग सपोर्टेड बाय अमेरिका, इसराइल अमेरिका से सपोर्ट ले रहा है, तो जहां अमेरिका आ जाता है, ऑटोमेटिकली उसका दुश्मन रशिया और चाइना ऑपोजिट कैंप में आ जाते हैं। ये हमने पहले नहीं देखा, मैं 12 साल से देख रहा हूँ, 2011-12 से, उससे पहले से सीरिया का बंदरबाट चल रहा है, बशर अल असाद। और बशर अल असाद भी, बशर अल असाद को सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना और रशिया कर रहे हैं। लेकिन उसके एंटी में जो फ्री सीरियन आर्मी है, जो रिबेल्स हैं सीरिया के, जो सरकार के खिलाफ हैं, वो कौन है? दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय अमेरिका। सीरिया में तो खैर बहुत सारी पार्टीज हैं, वहाँ ISIS भी आ जाता है, अलकायदा भी आ जाता है, टर्की भी आ जाता है वहाँ, ईरान भी आ जाता है, हिजबुल्ला भी आ जाता है, पेशमरगा भी आ जाते हैं, जो कुर्द हैं, कुर्दिस्तान मूवमेंट वाले लोग, वो भी आ जाते हैं। सीरिया को अगर अलग करें, बड़ा ही सिंपल सा, कॉम्प्लेक्स डायनामिक नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा डायनामिक्स है। ईरान वर्सेस इज़राइल को हम दो कैंप्स में बांट सकते हैं। एक कैंप में ईरान और अमेरिका हो गया, अमेरिका डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा इज़राइल को, सॉरी इज़राइल और अमेरिका हो गया एक कैंप में, इज़राइल एंड विच इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय अमेरिका। तो इज़राइल को ग्राउंड सपोर्ट डायरेक्टली अमेरिका नहीं दे रहा, यूरोप नहीं दे रहा, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड सब लोग कंडेम कर रहे हैं इसराइल को, क्योंकि उसने जो हमास पर वॉर करा, उसमें बहुत सारे निहत्ते पैलेस्टीनियंस भी मारे गए। और ईरान ने शायद मिस कैलकुलेशन ये कर ली है अभी कि इसराइल जो है उसके साथ दुनिया की सिंपति नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू अ फुल ब्लोन वॉर, तो सब लोग ये भूल जाएंगे कि इसराइल ने किस पर क्या अत्याचार करे, सब लोग अपना फायदा देखेंगे। और मेरा फायदा पैलेस्टीन से है या इसराइल से है, विच इज मोर पावरफुल, पैलेस्टीन और इसराइल? इसराइल भैया,
आपको वेपन कौन दे सकता है, मॉडर्नाइजेशन में हेल्प कौन कर सकता है, एग्रीकल्चर में, स्प्रिंकल इरिगेशन में, माइक्रो इरिगेशन में हेल्प कौन कर सकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में हेल्प कौन कर सकता है, डिफेंस वॉरफेयर में, आयरन डोम टेक्नोलॉजी में हेल्प कौन कर सकता है, इसराइल. सो अमेरिका इज साइडिंग विद इसराइल. ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर कैंप जो हमास हैं, हमास आर बीइंग सपोर्टेड बाय प्राइमरीली ईरान. ईरान एक और ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है जो एंटी अमेरिका है, दैट इज हिजबुल्ला लेबनन का. सो लेबनीज हिजबुल्ला और ईरान हमास को सपोर्ट कर रहे हैं. ईरान खुद की इकोनॉमी बिल्कुल जीरो है, कैपेबिलिटीज हैं, डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन यही है और कुछ नहीं है उसके पास. उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, चाइना और रशिया. तो एक कैंप में आपका इसराइल, उसके बैकयार्ड में बिहाइंड द कर्टेंस वेस्ट हो जाता है लेड बाय अमेरिका, और जो दूसरा ऑपोजिट कैंप है जिसको एक्सेस ऑफ ईविल भी माना जाता है, तो ईरान, इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय, यस इट इज सपोर्टिंग हमास एंड इट इज सपोर्टिंग लेबनीज हिजबुल्ला व्हिच आर आल्सो सपोर्टिंग हमास अगेंस्ट द इजरायलीज दैट इज द ज्यूज एंड ईरान इज डेफिनेटली बीइंग सपोर्टेड बाय चाइना एंड रशिया. और एक और बात बताऊं, ईरान ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है. क्या स्टेटमेंट दिया है? कि अमेरिका बाहर रहे, अमेरिका इस युद्ध से बाहर रहे, कि हम इसराइल को खुद देखेंगे. अब पुतिन का भी एक स्टेटमेंट आया है. पुतिन का क्या स्टेटमेंट आया है कि अगर अमेरिका बीच में इंटरफेयर करता है तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे. जैसे इसराइल तुम्हारा दोस्त है वैसे ही ये हमारा दोस्त है. इंडिया पर इस वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बोलिए, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ दिस वॉर ऑन इंडिया? मैं फिर से पूछ रहा हूं कि इसराइल और हमास वॉर का, या अब जो इट हैज गॉन ओवर और इट हैज ब्लोन द स्केल टू ईरान वर्सेस इसराइल वॉर, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन इंडिया? देखो, सबसे पहली चीज जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करें, इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी किसको सपोर्ट करें. तो इंडिया वॉर्स में हमेशा क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है. इंडिया कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करता. उसका कारण यही है दैट वी कैनॉट टेक साइड्स इन मिडल ईस्ट. सऊदी अरब हमारा दोस्त, ईरान हमारा दोस्त और इसराइल हमारा दोस्त, और पैलेस्टीनियन भी कोई दुश्मन नहीं है. वी डू ऑफिशियली सपोर्ट टू नेशन टू स्टेट पॉलिसी ऑन पैलेस्टीन. तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गई. तो हमने मिडल पाथ क्या लेना है, शांति बनाए रखें. यही हमारा हमेशा क्या होगा, स्टेटमेंट होगा. मैं लिख कर दे रहा हूं आपको, अगले 20 साल तक, 10 साल तो मैं मानकर चल रहा हूं, हमारा कभी ये स्टेटमेंट नहीं आएगा कि हम इसराइल के साथ हैं मारो, या हम पैलेस्टीन के साथ हैं मारो, या हम ईरान के साथ हैं मारो और मारो, या इसराइल ईरान को और मार. नो, हमारा हमेशा स्टेटमेंट क्या रहेगा, वासुदेव कुटुंबकम, शांति अमन पीस यही हमें चाहिए. दूसरा इम्प्लीकेशन हम पर बहुत भारी हो सकता है जो है रेमिटेंसेस का. बहुत सारे हमारा डायस्पोरा मिडल ईस्ट में है, और मिडल ईस्ट में अगर युद्ध हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक रही है, वहां की कंस्ट्रक्शन रुक रही है, वहां की ऑयल एक्सट्रैक्शन रुक रही है, तो सीधा इंपैक्ट ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे. हमारी ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है, हम इंपोर्ट लेड ग्रोथ है हमारी. सारा एक्टिवा में आपका पेट्रोल कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, यहाँ आकर रिफाइन हो रहा है क्रूड. तो वो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन या इम्पैक्ट आपको एक होगा. दूसरी चीज क्या प्रॉब्लम होगी आपको, दूसरी चीज ये कि जो रेमिटेंसेज वहां से भेज रहा है डायस्पोरा, आपका 500 बिलियन अगर फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80-100 बिलियन जो आपके वर्कर्स बाहर गए हैं, वो जो पैसा हिंदुस्तान भेजते हैं कैनेडा, अमेरिका या मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब, दुबई, यूएई, ईरान, इराक, कुवैत, कतर में बहुत सारे इंडियंस हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, ये माइग्रेंट जो पैसा भेज रहे हैं, तो इनका ह्यूज चंक कम्स आउट ऑफ मिडल ईस्ट. तो ये पैसा भी हमारा क्या हो जाएगा, या गुड मॉर्निंग, या एंड कमलजीत बोल रही है इंडिया की ऑयल सप्लाई है, मैंने बोल ही दिया कि एनर्जी डिपेंडेंट है हिंदुस्तान हमारा, तो तेल हमें वहां से मिडल ईस्ट से चाहिए. फिर जो तुमने बोला अनिरुद्ध, कनेक्टिविटी, दिस सी ऑल्सो ज्वाइंस अस, कॉमर्स ज्वाइन करती है, कनेक्टिविटी ज्वाइन करती है, कल्चर ज्वाइन करती है. तो सी फॉर कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, अभी तुम्हारा जो आईमैक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वो कहाँ जा रहा है, गुजरात से कहाँ जा रहा है, इंडिया से दुबई, दुबई से सऊदी अरब, सऊदी अरब से इसराइल, इसराइल से मेडिटेरेनियन सी, और वहां से पायरस पोर्ट ग्रीस, फिर यूरोप एंटर कर रहा है. और रेड सी वाला जो रूट है, वहां क्या प्रॉब्लम है, हाउथी रिबेल्स, यमन के जो रिबेल्स हैं,
और तीसरा रूट हमारा कहाँ जाता है, ईरान से, ईरान अजरबैजान रशिया INSTC। इनफैक्ट तुम्हें तो अफगानिस्तान भी कहां से होकर जाना पड़ता है, ईरान से। तुम्हारी बहुत सारी ट्रेड जो है वो सफर करेगी, तीनों रोड तुम्हारे चौक हो चुके हैं। अभी इसराइल वॉर में आ गया है, यस, वहां पर हाउथी रिबेल्स हैं और यहाँ पर ईरान, ईरान भी वॉर में आ गया है, तो तुम यूरोप जाओगे कहां से। चौथा रूट तो वो वास्को डी गामा वाला है, कौन सा वाला, जहां से यूरोपियंस आए थे, पोर्टुगीज आए थे, वास्को डी गामा गोवा पहुंचे थे। वो झूले का नाम क्या रखा है हमने, बोट वाले का, वास्को डी गामा इसीलिए रखा है वो, क्योंकि एज अ ट्रेडर, एज अ पर्यटक वो कहां से आया था, वो यूरोप से आया था। कहां से घूमकर, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से, नीचे से केप टाउन से घूमकर फिर इंडिया पहुंचा था। पता स्विस कैनाल कहां था, ये रूट पता ही नहीं था ना, मेडिटेरेनियन सी वाला, समुन्द्र किनारे बस वो पहुंचते रहे। समझ में आ रहा है? सो ये बहुत ज्यादा सफरिंग्स हमारी होंगी। यस कमलजीत, यू आर राइट। डिलीट क्यों किया आपने कमेंट अपना, डिलीट कर दिया, मुकर गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली हो क्या, अपनी बात से मुकर रही हो, माय गॉड। सो या कोई पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकती है, आम आदमी भी कर सकती, ठीक है, वरना मेरे नोटिस आ जाएगा। नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, मोदी जी ने कहा है, देखो बिल्कुल, अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी, तंदुरुस्त सरकार होगी, स्टेबल सरकार होगी, तो देश का भला तो होगा। मोदी अगर 300 पार ला रहा है, देखो मोदी अगर 250 लाता है या 240 लाता है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या तो मोदी आए ना, अगर आए तो बहुमत से आए, बीच में कोलिजन अगर गठबंधन वाली सरकार बनेगी तो हिंदुस्तान बर्बाद होगा। एक स्ट्रॉन्ग सरकार के पास स्ट्रॉन्ग मैंडेट होती है, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाती है। कश्मीर 370 CAA, मैं ये नहीं कह रहा है मुद्दे अच्छे हैं या बुरे, डीमोनेटाइजेशन, GST, ये सारे, या सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान में तुम बोलते हो, ये सब बिग टिकेट रिफॉर्म्स कब आएंगे, जब सरकार के पास आंकड़े होंगे, नंबर होंगे लोकसभा में। अगर सरकार बहुमत की कोलिजन की सरकार होगी, फिर तो सरकार घबराती रहेगी, फिर सरकार कभी भी जो है डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाएगी। तो किसी भी पॉलिटी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें जो गवर्नमेंट की मेजोरिटी हो वो बहुत अच्छी हो। इसके नेगेटिव तो आप जानते ही हो, क्या नेगेटिव है इस चीज के, क्या प्रॉब्लम्स हैं अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आपको मिल जाती है। तानाशाही, थोड़ा सा अथॉरिटेरियन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये सारे इश्यूज होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सरकारें बन जाती हैं। जब सरकारें ऐसी हो जाती हैं कि उनका कोई तोड़ ना हो, उनको हराने का कोई तोड़ ना हो। 75 की इमरजेंसी को याद करें आप, इंदिरा गांधी का कोई, देखो प्रशांत किशोर, फिर तुम्हारे बिहारी बाबू जो है प्रशांत किशोर, बहुत एक उम्दा बात बोली है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 75 में इंदिरा गांधी को संपूर्ण बहुमत था, वो बोल रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ता था, सरकार अच्छी चल रही है, करप्शन हो रही है, नहीं हो रही, रिश्वत ले रहे हैं लोग, नहीं ले रहे, लोगों का भला हो रहा है, नहीं हो रहा, इंदिरा गांधी को बोले कोई मतलब नहीं था। इंदिरा गांधी ने सिर्फ क्या चीज सोची कि मुझे आंकड़े चाहिए। उन्होंने, शी प्लेड हेल विद द इकोनॉमी। आपने आपके संविधान का चेहरा बदल कर रख दिया था, 42वें संशोधन 1976 में, 1976 42nd amendment। एमरजेंसी भी सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजिडेंट को चूं भी ना करनी पड़े, एक जरा सा जेब से निकालो लगा दो एमरजेंसी, ऐसे इतनी आसान बना दी थी एमरजेंसी इंदिरा गांधी ने। एंड इट कैनॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, ऐसा भी बोल दिया था बंदी ने। ये तो शुक्र करो 73 में जुडिशियल रिव्यू आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन आ गया, मूल ढांचे का जो आपका सिद्धांत था आपके संविधान का, वो आपको मिल गया, तब जाकर आप लोग बच पाए। फिर जनता पार्टी सरकार ने 44th अमेंडमेंट करी और बहुत सारी करेक्शंस करी, सेफगार्ड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, सिंपल मेजॉरिटी से स्पेशल मेजॉरिटी पर ले आए एमरजेंसी को, कि कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए चाहिए आपको संविधान के संशोधन के लिए भी, और आपातकालीन स्थिति घोषणा करने के लिए भी, एमरजेंसी लगाने के लिए भी। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये है ईरान इसराइल अगेंस्ट रिटेलिएशन वॉर, इसने वो कर दिया। एक्चुअली इसराइल ने ईरान के कमांडर को मारा था सीरिया में, सीरिया में ईरान का कोई कमांडर था, कोई फौजी भाई था, उसकी हत्या हो गई थी। तो लोग ये भी कह रहे हैं शुरुआत इसराइल ने करी, इसराइल कह रहा है शुरुआत किसने करी, हमास ने करी, हमास कह रहे हैं तुमने शुरुआत करी, कब करी, वर्ल्ड वॉर वन के बाद, हिटलर ने जब तुम्हें मारना शुरू करा जर्मनी में, पैलेस्टीन तो हमारा था, तुम यहाँ आए हो,
तो शुरुआत तो तुमने करी, फिर इसराइल कह रहे नहीं शुरुआत गोरों ने करी, ब्रिटिशर्स ने करी, या शुरुआत हिटलर ने करी, हिटलर कह रहा है शुरुआत तुमने, तो ये कुछ ना कुछ किसी, मुझे नहीं पता किसने शुरुआत करी। लेकिन अब सच्चाई क्या है, इसराइल जो है 90% 95% टेरिटरीज घेरे बैठा है, फेलस्तीन के पास 5-10% होंगी, उसमें भी इसराइल क्या कर रहा है, दखल अंदाजी दे रहा है, फेलस्तीनियंस कम है, कसर जो पूरी कर दी हमास ने पूरी कर दी, हमास के कमांडर को मारने के लिए उसने सीरिया में भी बम फोड़े, उसमें ईरान का कमांडर मारा गया, ईरान ने अपने कमांडर के मरने का या एक हाई प्रोफाइल बंदे के मरने का बदला लिया, इसराइल पर रिटेलिएटरी अटैक करे। अब इसराइल की बारी है, अब देखते हैं क्या होता है, अब इसराइल की अगली मूव ये डिसाइड करेगी कि वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं, मुझे तो ये लग रहा है, विश्व युद्ध होगा या नहीं, या परमाणु युद्ध होगा या नहीं। ईरान के पास पहले ही उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, और क्या पता इसराइल का भी न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा हो, कुछ नहीं कह सकते। अगर ऐसी स्थिति या न्यूक्लियर वॉर ना भी हो, उससे कुछ कम भी हो, अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हुए इसराइल में और मिडल ईस्ट में, तो बहुत ज्यादा तबाही आ जाएगी। एस जयशंकर जी ने पहले ही आपके हिंदुस्तानियों को, कल परसों की खबर थी, पहले ही उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई आ जाओ, युद्ध होने वाला है और बड़ा युद्ध होने वाला है, आप लोग घर वापस आ जाओ। ठीक है, अब मणिपुर में भी चले जा रहा है, कुकी जो इन ट्राइब्स को मारा काटा जा रहा है, कल परसों एक वीडियो भी आई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि हम उनको मारने जा रहे हैं, अगेन बहुत दुखद स्थिति है। मुरिया ट्राइब छत्तीसगढ़ की, ठीक है, लॉस ऑफ देयर होम्स बट एक्सेस टू क्लीन वाटर, तो जहां भी ट्राइब आ जाती है उस ट्राइब को याद रखो कि वो ट्राइब कहाँ की है, कैसे है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, थोड़ा सा उसके बारे में गूगल करें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गूगल करें। या मायावती वो स्टेटहुड फॉर वेस्टर्न यूपी, ठीक है, होता रहे भैया, ये तो वादे हैं, कोई खास बात नहीं है, स्टेट्स की आपने पॉलिटिकल न्यूज नहीं पढ़नी है। फिशर फोक ऑन द पैरादीप इन अर्जेंट नीड ऑफ मोर देन जस्ट बेट एंड टैकल, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, पैरादीप कहां पर है, आइलैंड, यस, पैरादीप कोस्ट ओडिशा, ठीक है ना, याद रखना, तो यहां पर फिशरमैन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो लिखी हुई हैं। देखो आपको पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये पूरी कहानी दी होगी इसने यहाँ पर हिंदू में, ये नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ इसका शॉर्ट जो समरी है फोटो के नीचे लिखा हुआ है वो आप पढ़ लें, उससे आपका काम हो जाएगा। अल्टीमेटली नोबडी विल आस्क यू व्हाट इज हैपनिंग इन पैरादीप ओडिशा, यू कैन जस्ट गिव देम एन एग्जाम्पल, आप एक उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर अपने आंसर्स में लिखें, ठीक है ना, दिस इज मोर अबाउट मेंस आंसर राइटिंग, कोई फैक्ट नहीं पूछेगा आपको कि बताओ पैरादीप में क्या हो रहा है, नोबडी विल आस्क यू, आप बता सकते हैं। एडिटोरियल पर आते हैं, जोया हसन के आर्टिकल हैं, अ मैनिफेस्टो वेयर इंक्लूसिविटी टेक्स सेंटर स्टेज, द थ्रस्ट इन कांग्रेसेस पार्टीज मैनिफेस्टो फॉर 2024 इज ऑन इक्विटी एंड जस्टिस बीइंग द प्राइम मूवर्स इन द बैटल्स ऑफ आइडियोलॉजी। जोया हसन ये जो हैं देवी, जेएनयू की प्रोफेसर हैं, और ऑब्वियसली ये किसको अपोज कर रही होंगी, बीजेपी को अपोज कर रही होंगी, बीजेपी के खिलाफ लिख रही होंगी, अब अमेरिका के खिलाफ हो तो नेचुरली किसके साथ हो, अमेरिका के खिलाफ हो तो किसके साथ हो, रशिया और चाइना के साथ हो, उसी तरह अगर बीजेपी के खिलाफ हो तो किसके साथ हो, कांग्रेस के साथ हो, कांग्रेस मैनिफेस्टो की तारीफ कर रही है। क्या आपको पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, क्या आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इनकी मानसिकता या आइडियोलॉजी के बारे में सोचना है, या जो सब हेडिंग है इन्होंने दी हुई उसकी बात करनी है कि कांग्रेस जो अपने मैनिफेस्टो दे रहा है उसमें वो क्या बात कर रहा है, उसमें इक्विटी की बात कर रहा है, सोशल जस्टिस की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ये मानता है कि जो बीजेपी है वो इक्वल नहीं है, वो इक्विटी नहीं है, वो सब नागरिकों को एक नजरिए से नहीं देखती, वो मजहब के नाम पर किसी कुटुंब को तो वो सुपीरियर मानती है, किसी कुटुंब को इनफीरियर मानती है, चाहे आप वेदों ग्रंथों के हिसाब से देख लें, कास्ट सिस्टम के हिसाब से देख लें, तो जो कंजर्वेटिव राइट विंग है हमारा वो दलितों को नीचा मांगता है, ऑब्वियसली इसीलिए रिजर्वेशन देनी पड़ी बाबा साहब अम्बेडकर को, कल जयंती भी थी उनकी, तो ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कास्ट सिस्टम कहाँ से निकला है, हमारे वेदों ग्रंथों से निकला है ना, हमारे वेदास से निकला है, हिंदू माइथोलॉजी से निकला है, तो
यहां थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत यह है कि भैया मुसलमान और हिंदू का जो बंदरबांट चल रहा है, क्या है सिर्फ इंडिया में चल रहा है? नहीं, सब जगह चल रहा है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कंफ्लिक्ट सब जगह चलते ही चलते हैं। म्यांमार में चल रहा है, श्रीलंका में चल रहा है, नेपाल में चल रहा है, पाकिस्तान में तो चल ही रहा है, अफगानिस्तान में चल रहा है, सीरिया में चल रहा है, ईरान में चल रहा है, इराक में चल रहा है, पैलेस्टीन इसराइल में चल रहा है, सऊदी अरब में चल रहा है। कौन सा ऐसा देश है जहां नहीं चल रहा? सब जगह चल रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ देशों के नाम नहीं लिए जहां ऐसा नहीं चल रहा। जो पढ़े लिखे देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, जो खुशनुमा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में जिनका रैंक बहुत ज्यादा है, जो ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स में जिनका रैंक बहुत ज्यादा है, उनको इंसान के चेहरे से, उसके मजहब से कोई मतलब नहीं होता, सोशल आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं होता उन लोगों को। उनको मतलब किससे होता है? इंसान के मेरिट से। इंसान कितना काबिल है, इंसान कितना होनहार है। एक मुसलमान अगर कारीगर है, वो बहुत अच्छी सिलाई कढ़ाई बुनाई कर सकता है, कार्विंग कर सकता है, तो उसकी ज्यादा अहमियत है, ना कि एक हिंदू ब्राह्मण की जो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा यूरोपीय लोग, कंजर्वेटिव जो नहीं है, जो लिबरल लोग हैं, लिबरल आइडियोलॉजी वो सोचती है, उसको सेंटर की आइडियोलॉजी बोलते हैं। तो ये चीज है। जोया हसन अगेन जेएनयू लेफ्टिस्ट है, बिल्कुल है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, लेकिन कुछ एक्सट्रैक्ट इसमें नहीं होना चाहिए। वही चीजें बोल रही होगी, प्राइम मिनिस्टर ने मुस्लिम लीग के साथ कंपेयर कर दिया कांग्रेस को, ऐसी ऐसी चीजें बोल रही होंगी। और देखो एक बात है, हमारे इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में सेक्शन 122 में क्लियर लिखा हुआ है कि आस्किंग फॉर वोट्स या कैंपेनिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन इज अ करप्ट प्रैक्टिस। करप्ट प्रैक्टिस है अगर आप मजहब का नाम जिक्र करते हैं इलेक्शन कैंपेन में। और अगर हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी इंसान, मैं मोदी जी को अकेला नहीं ले रहा, मैं राहुल गांधी को भी ले रहा हूं इसमें, अरविंद केजरीवाल को भी ले रहा हूं, अगर वो मजहब का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर वो मजहब का बुरा हाल कर रहे हैं, मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी भावनाओं को सींचने के लिए, खींचने के लिए अपनी तरफ, तो क्या है? ये करप्ट प्रैक्टिस है। और किसकी जिम्मेवारी बनती है यहां पर बीच में एंटर करने की? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको कंप्लीट पावर्स दी हुई है सुपरिंटेंडेंट कंट्रोल इलेक्शंस की। तो लैकिंग है, बिल्कुल है, इलेक्शन कमीशन गौर नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ। फिर फूड प्राइसेस स्टिल बाइट इवन एज फ्रेश प्रेशर्स कुड वे ऑन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, खाना महंगा हो रहा है, बिल्कुल महंगा हो रहा है। अभी गर्मियां आ रही हैं, हीट वेव बढ़ेगी, और झुलस जाएंगे पौधे, गर्मियां पड़ेंगी, सूखे पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे, और ज्यादा खाना महंगा होगा, फूड इन्फ्लेशन और ज्यादा होगी। सरकार को क्या करना होगा? सरकार को इन पर टैक्सेस कम करने होंगे, सरकार को पेट्रोल पर टैक्स करना कम पड़ना होगा। अगर एक किसान अपने खेत से मंडी में एक्टिवा पर या किसी अपनी रेड़ी पर, स्कूटर पर या अपनी ट्रॉली पर अगर सामान लेकर आ रहा है, एक तो पेट्रोल है 70 रुपए लीटर, डीजल एक है 100 रुपए लीटर, तो सस्ती सब्जी कब पहुंचेगी? 70 में या 100 में? 70 में पहुंचेगी। तो नेचुरली जो ऊपर का सरकार का टैक्स है उसको कम करना चाहिए उसको, ताकि ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हो। और एसेंशियल कमोडिटीज पर टैक्स कम करे सरकार, यही सरकार कर सकती है इन्फ्लेशन को बचाने के लिए। या सरकार कर्जा लेकर क्या कर सकती है? तुम्हारे खाते में पैसे डाल सकती है, लेकिन वो गलत है। हमें पॉपुलिज्म नहीं करना है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। इंटरेस्ट रेट तो ऊपर कर ही रही है सरकार, तो हमें पॉपुलिज्म नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सोचने हैं। मेरी रोड्स अच्छी होंगी, मेरे पेट्रोल और डीजल के दाम अच्छे होंगे, रैशनल होंगे, सरकार को भी नुकसान ना हो, लोगों को भी नुकसान ना हो, जीएसटी की रिजीम रैशनल होगी, है ना, और बॉटल नेक्स नहीं होंगे। ये सारी चीजें जब नहीं होंगी तो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था आगे चलेगी, उसके पहिए पर अपने आप से ग्रीसिंग, ल्यूब्रिकेशन हो जाएगी। देन ब्रीच ऑफ कन्वेंशन, ओके, इक्वेडोर ने क्या किया है? रेड ऑन द मेक्सिको एम्बेसी इन क्विटो, ओके, ये बहुत गलत करा इक्वेडोर ने। इक्वेडोर ने अपने घर में बनी एम्बेसी पर रेड कर दी। मान लो पाकिस्तान की एम्बेसी यहाँ है, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया में है, वहां के एम्बेसडर, वहां के फॉरन सर्विसेज, पाकिस्तान फॉरन सर्विस के ऑफिसर तुम्हारे यहाँ है, तुमने, और तुम्हें लगता है कि उस बंदे ने मुंबई अटैक करवाए हैं,
तुमने रेड करके उस एम्बेसी में क्या करा, अटैक कर दिया। एम्बेसी जो होती है एक सॉवरेन एंटिटी होती है तुम्हारे देश के अंदर, मतलब पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया, उस पर हम एक तिनके जितना प्रेशर नहीं डाल सकते। और अगर उन लोगों ने उस एम्बेसी से गाड़ी में एयरपोर्ट तक जाना है, आप रस्ते में भी उस गाड़ी को, उसकी प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेवारी है, उस पर कोई भी कुछ, उसका पंक्चर भी होता है टायर, आपको लगवा कर देना है। अगर उसको कुछ हो गया तो दोनों देशों के अंदर डिप्लोमेटिक टाइज टूटने की कगार पर आ जाएंगे, युद्ध भी हो सकता है कि तुमने हमारे हाई कमिश्नर को मारा। अब जो तुम्हारा इंडियन फॉरेन सर्विसेज का ऑफिसर गया होगा, तुम जब वहां बैठे होगे तो तुम्हें पकड़ लेंगे पाकिस्तानी कि आजा भाई, तुम्हारा बंदा भी हमारे पास तैयार है, इसको तो हम वो प्रॉपर गिलोटिन करेंगे, इसको सऊदी अरे ईरान स्टाइल में इसको तो हम वो सर कलम करेंगे, इसका तो कोड़े मारेंगे पहले, इसके तालिबान से लगवाएंगे। तो ये बहुत गलत हुआ है, देखते हैं क्या है। कन्वेंशन है, टूटी है बिल्कुल, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस न्यूज में भी थी क्या? क्या न्यूज में थी? या गुड मॉर्निंग दृष्टि शर्मा, न्यूज में क्या थी वियना कन्वेंशन? सऊदी अरब का एक अम्बेसडर आया था इंडिया में, उस बंदे ने क्या करा, दो नेपाली औरतों का मर्डर किया, रेप किया, 6 महीने उनको बंदी बनाकर रखा और शायद मृत्यु भी हो गई, मुझे पता नहीं। जब ये खुलासा हुआ तो क्या हुआ, उसके अरेस्ट की जगह हमें उसको वापस भेजना पड़ा। अब अगर अम्बेसडर्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन करें, अभी एथिक्स का क्वेश्चन आता है GS4 का, कि क्या हमें उन्हें टांग देना चाहिए या फिर हमें उनको क्या करना चाहिए, रिहा करना चाहिए डिप्लोमेटिक कन्वेंशन। सोचो पाकिस्तान के एम्बेसडर ने इंडिया में मर्डर रेप करा और क्लियर CCTV फुटेज आ गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो गुनहगार है, ये तो कन्फर्म है। अब उधर पाकिस्तान ऐसा ही कर दे, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला है, फेक कुछ भी बना लो आप, है ना, फेक वीडियो कुछ भी बना लो और पता भी नहीं चलता कि ये फेक है असली है। वो इंडियन एम्बेसडर पर कोई झूठा आरोप लगा दे कि तूने रिश्वत ली है, तूने ये करा है, तूने वो करा है, किसी का बयान भी दिलवा दे लड़की का, जी इस बंदे ने मुझे रेप करा है, तो क्या होगा? झूठ तो कुछ भी हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, एक चेंज हो सकता है इंटरनेशनल लॉ में, और एक कन्वेंशन में लिखा भी हुआ है, और भी बहुत सारी कन्वेंशंस हैं, कि हम ऐसे बंदे को एक थर्ड पार्टी कोर्ट में ट्राई करें, एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी ट्राइब्यूनल में ट्राई करें, ये इसका सॉल्यूशन है। इंडिया उसको मारे, ये भी उसका सॉल्यूशन नहीं है, सऊदी अरब खुद उसको कुछ कहेगा नहीं क्योंकि उसकी इमेज खराब होती है। हम इसको एक कोर्ट में भेज दें, जैसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सिंगापुर है, ऐसा ही हम एक स्पेशल UN के अंडर ही हम क्या मैकेनिज्म बना ले, डिप्लोमेटिक कोर्ट का मैकेनिज्म बना ले, जो डिप्लोमैट्स जो ऐसी गड़बड़े कर रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, उनको रिजोल्व करने के लिए एक ट्राइब्यूनल बना लिया जाए। जरूर वियना कन्वेंशन में भी कुछ होगा, जरूर होगा, मैंने पूरी कन्वेंशन ऑब्वियसली पढ़ी नहीं है, न्यूज में होगा तो हम देख लेंगे, कोई खास बात नहीं। अर्बनाइजेशन नो लिबरेटिंग फोर्स फॉर दलित्स, अभी बाबा साहब का जन्म वो था, जयंती थी कल, तो दलित्स के ऊपर आर्टिकल लिखा था, इंडियन सिटी हैज फेल्ड एस्पिरेशंस एक्सपेक्टेशन ऑफ दलित लिबरेशन मूवमेंट हैड प्लेस्ड इन अर्बनाइजेशन। मैंने आपको जब अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण, जब मैंने ये डिस्कस करा था पहले, मैंने एक चीज बताया था कि अर्बनाइजेशन कास्ट को खत्म करने में मदद करती है। कैसे करती है? हाउ डज अर्बनाइजेशन फिनिश द कास्ट? बोलिए, तुम बोलो अनिरुद्ध, क्या जाति है तुम्हारी? ब्राह्मण हो शर्मा, ब्राह्मण हो, क्या तुमसे तुम्हारा मजहब किसी ने पूछा, जाति किसी ने पूछी तुम्हें? यहाँ कमरा विद्यापीठ में जब तुम्हें पीजी लिया तुमने विद्यापीठ के आसपास, नहीं। तुम विशाल, क्या तुमसे तुम्हारी जाति पूछी गई? तुम बिहार से हो राइट, क्या तुमसे तुम्हारी जाति पूछी गई कि कौन से ब्राह्मण हो तुम, गंगा के उस पार के हो या इस पार के हो? ये भी तो पंगा है ना, कौन सा किनारा लगता है गंगा का। तो तुम दोनों से किसी ने तुम्हारी जाति नहीं पूछी, और शक्ल से तो तुम ब्राह्मण नहीं लगते, तुम्हारी तोंद नहीं है, तुम गोरे नहीं हो, या तुम्हारा पेट नहीं निकला हुआ, तुमने धोती नहीं पहनी हुई, तुमने जनेऊ नहीं पहना हुआ, तुमने टिक्के नहीं लगाए हुए,
शक्ल से तो मुझे तुम बिल्कुल ब्राह्मण नहीं लगते, ना तुम मुझे दलित दिखते हो शक्ल से, मुझे नहीं पता दलित होता कौन है कैसा होता है, ना तुम शक्ल से मुझे मुसलमान लगते हो ना सरदार लगते हो, तो शक्ल से तो मैं तुम्हें नहीं पहचान सकता, लेकिन तुम अर्बन एरिया में आए, सेक्टर में तुमने यहाँ पर 8 सेक्टर में विद्यापीठ के पास घर लिया, तुमसे किसी ने तुम्हारी जाति या मजहब नहीं पूछा। इसका सिंपल मतलब क्या है? अर्बनाइजेशन। और यार जो फ्लैट होते हैं 20-20 मंजिल माले होते हैं, उसमें क्या पता कौन से फ्लोर पर दलित रह रहा है, ब्राह्मण रह रहा है, वैश्य रह रहा है, शूद्र रह रहा है, कौन रह रहा है, हिंदू रह रहा है, मुसलमान रह रहा है, सरदार रह रहा है, पंजाबी बंगाली मराठी कौन रह रहा है। ये भी तो अर्बनाइजेशन ही है। जो स्काई स्क्रेपर्स हैं, गगनचुंबी इमारतें जो हैं, ये क्या है? ये भी अर्बनाइजेशन है। तो वहां पर भी लिफ्ट में जाते हो, क्या कभी तुमने देखा कि ये लिफ्ट दलितों की है, ये लिफ्ट ब्राह्मणों की है? ऐसा कभी नहीं होता। रोड होती है अर्बन एरिया में, वो भी शॉपिंग मॉल होता है, वो भी अर्बन एरिया में। टैक्सी उबर ओला आती है, क्या तुम्हारा मजहब पूछकर आती है कि तुमने उबर चाहिए ओला चाहिए? दिल्ली मेट्रो में चढ़ते हो, क्या दलितों के लिए ब्राह्मणों के लिए अलग कंपार्टमेंट है? नहीं है। क्या अलग टिकट है? नहीं है। क्या डिस्काउंट है ब्राह्मणों को? नहीं है। तो अर्बनाइजेशन तो कास्ट को खत्म कर रही है। अब ये बंदा क्यों बोल रहा है ऐसा कि कास्ट को खत्म नहीं कर रही, कास्ट को और बढ़ावा दे रही है? बोलो। अभी रिसेंटली एक इशू आया है। क्या इशू आया? अर्बन एरियाज में भी एक इशू आया नॉन वेज फूड का, कि नॉन वेज सिर्फ कौन खाते हैं? नीची जाति के लोग या छोटी जाति के लोग खाते हैं नॉन वेज। वेजिटेरियन फूड सिर्फ कौन खाते हैं? या जो श्वेत, जो प्रॉपर वेजिटेरियनिज्म कौन फॉलो करता है? एक ब्राह्मण जाति का फॉलो करता है। देखो वैसे बात मिथ्या है। अब कोई शर्मा है वो भी नॉन वेज खा सकता है, कोई मुसलमान है वो भी वेजिटेरियन हो सकता है, कोई दलित है वो गाय खा सकता है, कोई सरदार है वो गाय खा सकता है, कोई ब्राह्मण है वो भी गाय खा सकता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? 11वीं की हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा, और शर्मा जी ने लिखी है। क्या लिखा हुआ है? कि पुराने हिंदू क्या खाया करते थे? गाय खाया करते थे। जाओ जाकर पढ़ो, मैं तो पन्ने बता दूंगा आपको कौन से, मेरे पास आओ अगर किसी को चैलेंज करना है इस बात को। वो कह रहा है कि हिंदू गाय खाया करते थे, काउ वॉज अ डेलिकेसी, मेहमान के आने पर गाय बनाया करते थे, इसीलिए मेहमान को गोदे बोला करते थे, जिसको गऊ दी जाती है, और स्लॉटर भी होता था, काउ स्लॉटर। ये तो जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई और पंडितों को या ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स मिलने लगी, किन से? राजाओं से। अब लैंड का मतलब क्या है? अनाज, फर्टिलिटी। और लैंड की फर्टिलिटी या कीमत कब बढ़ेगी? जब उसमें अनाज बहुत ज्यादा उगेगा। अनाज कौन उगाएगा? किसान। क्या किसान खुद खेती करेगा? किससे करवाएगा? गाय, बैल, भैंस, ये दूध देने वाले पशुओं से। जो अब घोड़े से तो नहीं करा सकता, घोड़ा तो दौड़ेगा। यही जो होते हैं बड़े शांत प्रिय के शांति वाले पशु होते हैं, कोलू के बैल चलते रहते हैं बांध कर एक बार तो तंग कम करते हैं, इसीलिए इनको लगाया गया खेती में। उस दिन हमने काउ स्लॉटर को बैन करा। और सबसे अच्छा तरीका क्या है किसी चीज को बैन करने का? उसका डर पैदा कर दो मजहब में। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। मैन क्रिएटेड गॉड, गॉड डिड नॉट क्रिएट मैन। ये किसने बोला? कार्ल मार्क्स ने बोला, वही आर एस शर्मा ने लिखा। कार्ल मार्क्स तो बहुत लेट पैदा हुए थे, खैर वैदिक एज से बहुत लेट पैदा हुए, मॉडर्न एज में पैदा हुआ कार्ल मार्क्स 1800-1900 में। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात यह है कि ये बंदा रैशनैलिटी की बात कर रहा है, कि अगर आप ये कहते हो कि जो नॉनवेज खाने वाली सिर्फ दलित कौम है, जितने अर्बन सेंटर्स में नॉनवेज दुकानें चल रही हैं, कबाब सेंटर, ये सेंटर, वो सेंटर, पूरन सिंह या मक्खन सिंह या कोई भी ढाबा जो चल रहा है नॉनवेज, वो सिर्फ दलितों के बेसिस पर चल रहा है, और इन्होंने ही गंद फैलाया है। हमारे नवरात्रों में लालू के लड़के ने मछली खाई है ना, अब मटन, तो उसका वही इशू ये बता रहा है। तो ये कह रहा है कि तुम क्या कह रहे हो कि वो छोटी जाति का यादव, यादव क्या है? ओबीसी कैटेगरी मानी जाती है, ब्राह्मण नहीं होते यादव, यादव एक पिछड़ी जाति मानी। ये यही चीज बोलने की कोशिश कर रहा है कि तुमने नॉनवेज को अर्बन एरिया में भी छोटी जातियों को नहीं बख्शा,
उन्हीं से रिलेट कर दिया, सब लोग खा रहे हैं या, और जीव हत्या जो है ये मजहब पर डिपेंड नहीं करती। बहुत सारे मुस्लिम्स भी मैंने वेजिटेरियंस देखे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू बिलीव मी। बहुत सारे ब्राह्मिन भी मैंने नॉन वेज देखे हैं, बहुत सारे जैन्स भी नॉन वेज होंगे। मॉडर्न एरिया है, मॉडर्न जमाना है, और यहीं पर करते हो तुम ये सब। जब मिलेगा ही फॉरेन में जाकर बीफ बर्गर, फिर क्या करोगे? जब वहां के आलू चिप्स भी मैकडॉनल्ड्स के कौन से तेल में फ्राई होंगे? बीफ ऑयल में। क्या करोगे? कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा। वहां जाकर तुम लोग सब खा रहे हो, वहां जाकर यूसीसी भी मान रहे हो, वहां किसी को बुर्का नहीं पहनना। अगर सरकार ने बोला बुर्का नहीं पहनना तो पहनोगे नहीं, क्यों? नागरिकता चाहिए फ्रांस की, मैं इसीलिए बुर्का भी छोड़ दूंगी, नमाज पढ़नी छोड़ दूंगी, कुरान पढ़नी छोड़ दूंगी, गीता पढ़नी छोड़ दूंगी, सुखमनी साहब का पाठ करना छोड़ दूंगा। क्यों? नागरिकता चाहिए। वहां जाकर रैशनल बन जाते हैं हम। मजहब का बंदरवाट हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये बंदा ये चीज कहने की कोशिश कर रहा है, लेट अस सी। और कोई ज्यादा नहीं है, रिलीजियस सेंटिमेंट, दोज ब्राह्मणिकल रेगुलेशंस, हाँ ये वही बात कर रहा है, ये मतलब वही कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहा है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इतने कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ आया है इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं पूछेगा ब्राह्मण बीफ खाएगा या नहीं खाएगा, नो, या दलित को बीफ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, नो, दिल नॉट आस्क। सच्चाई हिंदुस्तान की ये है कि बहुत सारी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में भी बीफ बिक रहा है। कहां पर बिक रहा है? नॉर्थ ईस्ट में, यूपी छोड़ो, नॉर्थ यूपी में तो बैन है भैया बीफ का, नॉर्थ ईस्ट में बिक रहा है बीफ। यूपी में बीफ बैन है, काउ स्लॉटर बैन है यूपी में, लेकिन वैसे तो मिल रहा होगा, लेकिन एक और बात भी है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है और प्रोड्यूसर है। एक ऐसी कंपनी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, वो कंपनी क्या है? वो बीफ खरीदती है, वो बीफ बनाती है, वो बीफ एक्सपोर्ट करती है। सोचो अगर उस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए भी दिए हों। मैं तो एक वीडियो देख रहा था, वो जो तुम्हारे वो खान सर हैं उनकी, वो एक बात सही बढ़िया लगी मुझे। वो बोलता है कि अगर वो कंपनी 1000 करोड़ का, 1300 करोड़ का या इतने करोड़ का चंदा दे रही है तो सोचो उसकी टर्नओवर कितनी होगी। मान लो 100 करोड़ अगर दे रही है तो 2000 करोड़ उसकी टर्नओवर होगी, या 1000 करोड़ भी उसकी टर्नओवर होगी। 1000 करोड़ की कमाई उसको कैसे आ रही होगी? गाय काटकर आ रही होगी। सोचो उस कंपनी ने 1000 करोड़ से एक गाय अगर 10,000 की है तो 1000 करोड़ से 10,000 डिवाइड कर दो, सोचो कितनी गायें उसने काटी होगी। 10,000, 1,00,000 गायें उसने काटी होगी, तब जाकर 10,000 करोड़ की या 1,000 करोड़ की उसका क्या बना होगी? टर्नओवर बनी होगी, तब जाकर उसने इतना बीफ एक्सपोर्ट करा होगा, तब जाकर उसको बीफ में से प्रॉफिट मिला होगा, तब जाकर उसने इलेक्टोरल बॉन्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी से खरीदा होगा। और ये सब पार्टियों से खरीदा है, ये नहीं है कि सिर्फ ऑपोजिशन से खरीदा है, रूलिंग पार्टी के भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं उसने, ऐसा बताया जा रहा है। अखबार में नहीं लिखा हुआ है, पढ़ लेना अगर कहीं लिखा हो, गूगल कर लेना, किसी अखबार ने रिपोर्ट छापी होगी तो देख लेना। बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जिम कॉर्बेट में क्या जजमेंट आई है? टू असेस द डैमेज डन टू ग्रीन कवर, जिम कॉर्बेट हैज टू आइडेंटिफाई द रेस्टोरेशन अपीयर्स टू बी अ मिराज इन एब्सेंस ऑफ विल। ओके, याद करो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी रूलिंग दी थी, कैंपा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। व्हाट इज कैंपा? CAMPA, कैंपा इज कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। वो क्या है? उसी से रिलेटेड है आर्टिकल, उसी के संदर्भ में आपको समझना पड़ेगा। कैंपा, ये लिखा है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, मतलब कि यहां पर एक ग्रीन कवर है, ये सारा फॉरेस्ट है। अब मैं हूं कोई फैक्ट्री का मालिक, मैं हूं अंबानी या अदानी, मुझे अपनी फैक्ट्री खोलनी है तो मुझे यहां पर क्या चाहिए? फॉरेस्ट का लैंड चाहिए, ये पेड़ वेड़ काटूंगा। कैंपा क्या बोलता है कि अगर तुमने ये लैंड और ये पेड़ वेड़ यहां पर काटे तो इसके लियू में या इसकी कंपनसेशन के लिए तुम दूसरी किसी और जगह पर क्या करोगे? एक फॉरेस्ट कवर उगाओगे, क्योंकि तुमने ये लैंड बर्बाद कर दी।
या फिर इसके पैसे तुम किसको दे दोगे, तुम स्टेट गवर्नमेंट को दे दोगे इसका पैसा कि भाई लो, क्योंकि फॉरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, तो हरियाणा का फॉरेस्ट या पंजाब के फॉरेस्ट या हिमाचल के फॉरेस्ट या कहीं के फॉरेस्ट, तो आप लोग ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। इस मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द इशू इन दिस करंट मेथोडोलॉजी, टेल मी। या व्हाट इज द इशू हियर? मैंने बताया हुआ है पहले और आपको पता भी होना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ट्राई इट मित्र। नहीं वो नहीं, वो तो ठीक है, ट्राइब्स को तो मैं कोई और जंगल दे दूंगा, गलत तो वो भी है, लेकिन इस मेथोडोलॉजी में फॉरेस्ट को उगाने में दिक्कत क्या है? देखो, जो मैं नया जंगल उगाऊंगा वो मैं एक मैन मेड प्लांटेशन कर दूंगा, वहां पर पॉपुलर की पौध लगा दूंगा, है ना, डेसिड्यूज या टीक के, सागवान के, शीशम के पेड़ लगा दूंगा वहां पर और उसको लगने दूंगा। लेकिन जो ये फॉरेस्ट ओरिजिनल बना था, ये कब बना था? हजारों लाखों साल पहले ये बना था। इसमें बायोडाइवर्सिटी कौन थी? हजारों तरह के पेड़ थे, मेडिसिनल प्लांट्स भी थे, भवरे भी थे, तितलियां भी थी, फल फ्रूट भी थे, जंगली जानवर भी थे, और आदिवासियों का सारा रहना खाना पीना यहां से पूरा हो जाता था। अब तुमने इस नेचर को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करके यहां पर एक जंगल लगा दिया। पहली बात तो तुम्हें लैंड ही नहीं मिलेगा, लैंड तो कम होता जा रहा है भैया, तुम कहां से एक जंगल की जगह दूसरा जंगल का लैंड ले लोगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि तुम ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि इस जंगल ने कितना पैसा तुम्हारा बचाया है। सोचो कल को बाढ़ आ जाए, ये जंगल कंट्रोल नहीं कर पाएगा तुम्हारे लैंड को। यही जंगल नेचुरली क्या कर रहा था? बारिशें करवा रहा था, इकोसिस्टम को, वाटर साइकिल को चला रहा था, कार्बन को स्टोर कर रहा था, इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा था, इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहा था आपको, हवा को प्योर कर रहा था, पानी को कंट्रोल कर रहा था, हीट को कम कर रहा था, फूड चेन को चला रहा था, पृथ्वी का संतुलन बना रहा था। तो आप ये पैसे के टर्म्स में अनुमान नहीं लगा सकते, और आपको नहीं पता, किसी के जाने के बाद ही पता चलता है कि वो कितना महत्वपूर्ण था, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो जंगल हो। अभी तो हमें लगता है कि क्या है, दुखी कर लिया माँ बाप ने, या दुखी कर लिया जंगल ने, पेड़ पौधों ने। लेकिन जिस दिन सांस आनी बंद होगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा। तो यहां पर ये लॉजिक है कि यू कैन नेवर रिप्लेस अ नेचुरल थिंग विद अ मैनमेड थिंग, एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस का आंकलन मॉनेटरी टर्म्स में कैन नेवर बी क्वांटिफाइड। तुम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी बारिश वो करवा रहा था। हाँ, उसके इंपैक्ट तुम्हें पता लग जाएंगे, पता लग ही रहे हैं। मई जून जुलाई में हुआ करता था 40 डिग्री, आज मार्च अप्रैल में हो गया 40 डिग्री टेम्परेचर, बिना एसी के तुम नहीं बैठ सकते। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ लॉजिक देयर। हाँ, जिम कॉर्बेट की जजमेंट है। अब उसने कहा है कि रेस्टोरेशन करो, असेस करो कि जिम कॉर्बेट कितना गंजा तुमने कर दिया, जिम कॉर्बेट को बर्बाद करा है पूरा इको टूरिज्म के नाम पर। मैं इको टूरिज्म वाले रिसॉर्ट्स में रहा हूँ जहाँ 35,000 रुपये, 40,000 रुपये रोज का एक दिन का किराया है कमरे का। मैं ऐसे रिसॉर्ट में भी रहा हूँ जिम कॉर्बेट के अंदर, और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सफारी भी करी है मैंने, हाथी भी देखे हैं, शेर भी देखा है वहाँ पर, चीता, सब कुछ देख लिया मैंने। लेकिन मैंने देखा कि वो इको टूरिज्म के नाम पर लूट रहे हैं, सरकार को भी लूट रहे हैं, जनता को भी लूट रहे हैं, और सबसे बड़ा किस चीज को लूट रहे हैं? जंगलों को लूट रहे हैं, इकोलॉजी को लूट रहे हैं। जब किसी जंगल में जीप जाएगी, जब किसी जंगल में हॉर्न बजेगा जीप का, जब किसी जंगल में धुआं जाएगा उस जीप का, टायर जाएंगे, जब डिस्टर्बेंस होगी वहां पर, पानी पी रहे होंगे हिरन और तुम उनको जाकर परेशान कर दोगे, एकदम से फोटोएं खींचनी शुरू कर दोगे, यार उनका पानी पीना रह गया, शायद वो उस डर से सारा दिन नदी के पास नहीं आएंगे। जिस दिन तुम सारा दिन वहां जीपें लेकर जा, फिर यार जो तुम जंगल के अंदर, जो जमीन में जो चल रहे हैं, अर्थवॉर्म चल रहे हैं, चींटियां चल रही हैं,
दीमक भी चल रही है, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम, सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है। तुम्हें पता है पेड़ों पर जो दीमक होती है, दैट इज अ साइन ऑफ हेल्दी वाइल्ड लाइफ। जो दीमक लग जाती है ना पेड़ों पर, पेड़ों की छाल को, बाघ को गिरा देती है, दैट इज अ साइन ऑफ हेल्दी वाइल्ड लाइफ। तुम्हारे घरों में दीमक क्यों लगती है? जब मॉइस्चर आता है, सीलन आती है, सीलन आती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, फंगई, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब पैदा होते हैं, उसके बाद आती है दीमक। क्यों? वहां पर जिंदगी का आगमन हो गया है, इसीलिए दीमक आ रही है। जो मृत जगह होगी, मरुस्थल होगा, अगर वहां सूखा पड़ा होगा, तुम्हारे कपबोर्ड में पानी नहीं होगा, तो क्या होगा? दीमक कभी नहीं लगेगी। जहां पर सीलन सैलाब आ गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए, वहां पर दीमक आएगी। दीमक इज अ साइन ऑफ लाइफ। तुम्हारे लिए गलत है तुम्हारे घर में दीमक लग गई, सारे घर को खा जाएगी, लेकिन जंगलों के लिए बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है ये चीज? दीमक इज अ साइन ऑफ हेल्दी फॉरेस्ट्स। तुम तो सब बर्बाद कर रहे हो। मैं लिटरली गया वहां पर, जीप ने इतना धुआं गिराया होगा मेरी जीप ने, और मुझे रोज सफारी अलाउड थी 2 टाइम, सुबह शाम। टाइम्स ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट है ना, तो ट्रेवल राइटर हैं, तो मिला हमें वो मौका, मिला उनके लिए लिखने का कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। एक अच्छा अखबार अगर आपसे कुछ लिखवाएगा तो नेचुरली क्या होगा, आप वहां जाओगे, एक्सपीरियंस करोगे, चीजें देखोगे। लेकिन जो मैंने लिखना चाहा, मैं लिखना बिल्कुल नेगेटिव चाहता था कि ये लोग तो लुटे रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी को। कह तो रहा है हाईकोर्ट, जिम कॉर्बेट को गंजा कर दिया तुमने, यू हैव डिन्यूडेड द जिम कॉर्बेट, जमीन निकाल दी तुमने इको टूरिज्म के नाम पर। ये वही है कि जंगल काट कर वो सिटी बना दोगे, उसका नाम क्या रख दोगे? शोभा ग्रीन्स, सुषमा ग्रीन्स, ओमैक्स ग्रीन्स, ये ग्रीन, वो ग्रीन, शुभम ग्रीन। लूट लिया हमने, पेड़ों को काट कर ग्रीन सिटी कैसे बन जाएगी भाई? हरियाली खत्म करके ग्रीन सिटी बना दोगे? नहीं। और उस पर वो हरे रंग की नकली घास लगा दोगे? ये भी तो करते हो, ग्रीन सिटी, नाम उसको देते हो ग्रीन सिटी। वो बर्बाद कर रही है वो तो सिटी तुम लोगों को। यही बात ये बोल रहा है, रो रहा है बेचारा, क्या करे। फर्टिलिटी लेवल्स ड्रॉप बिलो 1 इन मेनी एशियन नेशंस, बिल्कुल। कपल्स चूजिंग नॉट टू हैव चिल्ड्रन, सिटीजंस ऑप्टिंग टू रिमेन सिंगल, स्पाइरलिंग कॉस्ट टू रेज चिल्ड्रन, ऑल मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डिप, बिल्कुल। आप फर्टिलिटी लेवल्स की बात करो, हाँ, तो इंडिया में बहुत हाई है अभी, फिर भी 2 से ज्यादा है, लेकिन अदरवाइज जो है, साउथ कोरिया की बात करें, अगर सिंगापुर की बात करें, हांगकांग की बात करें, ताइवान की बात करें, इवन चाइना वाले भी परेशान है बच्चे पैदा करके। चाइना में कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है बच्चे पैदा करने की। बच्चे पैदा करने में कुछ नहीं लगता, कॉस्ट नहीं लगती, लेकिन उसके बाद पालने में कॉस्ट लगती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसका रहना, खाना पीना, उसकी एजुकेशन, दैट इज वाई देर आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिंगल, यू नो, सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स और चाइल्डलेस पेरेंट्स और सिंगल्स, मैरिजलेस कपल्स, लिव इन रिलेशनशिप्स और सिंगल सिंगल पीपल हु डोंट हैव एनी पार्टनर, हु डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, ये सारी चीजें वहां चल रही हैं। समझ में आ रहा है? स्ट्रेस है लाइफ में, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आप लोग अपना टाइम नहीं दे पा रहे अपनी पार्टनर को। सारा दिन तो तुम दफ्तर में डीसी बने हुए हो, सारा दिन तुम्हारा दफ्तर में, कैसे कैसे लोगों से मिलोगे, किसी का गटर रुक गया, किसी का कुछ हो गया, किसी ने साबुन खा लिया, यही, किसी की भैंस को कट्टा नहीं हो रहा, आस नहीं लग रही, यही रोज बीमारियां आएंगी तुम्हारे पास। रोड में खड्डा है जी, पुल गिर गया, पुल उठ गया, पुल चोरी हो गया, यही तो है हिंदुस्तान, और क्या है हिंदुस्तान, यही तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। अपने घर का बल्लभ नहीं लगाया जाएगा तुमसे, तुमसे अपने घर का बल्लभ CFL नहीं बदला जाएगा, दुनिया के बदलते बदलते यही तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। तुम्हारी घरवाली होगी वो भी परेशान होगी, वो कहीं और SP लगी होगी, उसको अपनी जिंदगी से राहत नहीं होगी, तुम्हें अपनी जिंदगी से राहत नहीं होगी, यही चल रहा होगा। बच्चे पैदा करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, हाँ, दिस इज अ लॉजिक, यही ये बता रहा है, और कोई खास बात नहीं है। अब देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है ये मैटर, VVPAT। VVPAT क्या बताया था? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, मतलब आप बटन दबाओगे और EVM के साथ एक मशीन लगी होगी पेपर वाली, उस पर जो आपने बटन दबाया उसकी मोहर लगी हुई इंक से स्थापित होकर आ जाएगी।
ये हमने क्यों करा, ये इसलिए करा कि देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, गैजेट है, वो हैक भी हो सकती है, या उसमें वोट किसी और को भी जा सकता है, किसी को डालो किसी और को चला गया, या कल को चिप खत्म हो जाए, खराब हो जाए तो पूरे एरिया की वोट खराब हो गई, या ये सब चीजें हो सकती है, धांधली भी हो सकती है, ईवीएम चोरी भी हो सकती है, इंडिया में सब हो सकता है ईवीएम के साथ। तो तुम क्या करोगे, तुमने उसका पेपर ऑडिट ट्रायल, एक पर्ची के ऊपर तुमने सारी मोहरें लगा ली, आपकी पर्ची पर प्रिंट आएगा, आपके 5 सेकंड बाद 7 सेकंड बाद वो पर्ची आगे चली जाएगी, फिर दूसरा बंदा बटन दबाएगा, फिर उसका कैंडिडेट, उसका चिन्ह जिसको उसने वोट करा है वो पर्ची पर आएगा, फिर 6 सेकंड बाद आगे, तो ये चीज चलती रहेगी। इससे क्या है कि कम से कम अगर मशीन खराब होती है तो आपको क्या करना पड़े, आपको टैली करना पड़ जाए कि ये मशीन खराब है, या हमें शक है कि यहाँ पर चीटिंग हुई है, यहाँ पर ईवीएम हैक हुई है, यहाँ पर ये सब चीजें हुई है, तो हमें क्या करना पड़े, हमें ये करना पड़े कि यहाँ पर हमें ईवीएम के साथ वो पेपर वाली चीज टैली करनी पड़े। दिस इज द सिंपल लॉजिक। अब व्हेन दिस लॉजिक ऑपरेट्स, इसका मतलब क्या है, अगर तुमने पेपर वाली हर पर्ची को गिनना पड़ गया फिर तो तुम बैलेट करवा लो, फिर तुम्हें ईवीएम लगाने का क्या फायदा, ईवीएम लगाना तुम्हें कन्वीनियंस के हिसाब से था, लेकिन फिलहाल जो ईवीएम है वो कन्वीनियंस की जगह क्या कर रही है, वो कन्वीनियंस की जगह जो ईवीएम है वो तुम्हें कन्वीनियंट नहीं होने दे रही, तुम्हें एक्चुअली मैनुअल वर्क ही करना पड़ रहा है। इसी की प्ली डली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, लेट अस सी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली, आई डोंट नो इफ इट हैज बीन रिजेक्टेड और नॉट। ये है, आप कुछ को चेक करते हो लेकिन हर ईवीएम को आप टैली नहीं करते, कुछ को कर लेते हो, 2-4 को, लेकिन सबको आप टैली नहीं करते। दिस इज द लॉजिक। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मयंक भी ठीक बोल रहे हैं, दीक्षा भी ठीक बोल रहे हैं, शायद ये पुराने वाले उसके लिए बोल रहे हैं, उस संदर्भ में बोल रहे हैं कैंपा के लिए कि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मयंक आप, इट विल टेक सो मेनी इयर्स टू ग्रो, हजारों साल पहले हमारे नेचुरल फॉरेस्ट आए थे, बिल्कुल ठीक है। सो ईवीएम्स के साथ ये प्रॉब्लम है, लेट अस सी। हमने एक चीज इसीलिए बनाई थी ताकि इनमें टैम्परिंग ना हो, मैनुअल में तो हेरा फेरी हो सकती है, इनमें टैम्परिंग ना हो हमने इसलिए बनाई थी। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा है, ये सारी चीजें, तो ईवीएम्स पर भी सवाल उठने लगे। इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, यहाँ पर किरदार इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि ईवीएम के मुद्दे पर ऑल पार्टी कंसेंसस रहे। क्यों, उसको एक मीटिंग बिठानी चाहिए, एक जन चर्चा बिठानी चाहिए, जिसमें बीजेपी के भी हों, कांग्रेस के भी हों, आम आदमी के भी हों, डीएमके के भी हों, केसीआर के भी हों, सब बंदे हों वहां पर, वाईएसआर कांग्रेस जगन रेड्डी की, सब लोग हों वहां पर, नॉर्थ ईस्ट से भी आए डेलीगेशंस, और कुछ उम्दा इलेक्शन कमिश्नर्स भी आए, सुप्रीम कोर्ट जज आए मे बी, और सबकी एक संयुक्त बैठक बैठे, एक ऑल पार्टी मीटिंग बैठे, और जब तक कंसेंसस ना हो ईवीएम मुद्दे पर, तब तक क्या हो, तब तक इलेक्शन कमीशन वहां से उठे ना, और सबको ये दिलासा दिलाकर ही उठे कि भैया हम कुछ भी हेरा फेरी इलेक्शंस में नहीं होने देंगे। देखो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर ही इस बार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो कमिटी है वो किस किस की बनी है, पीएम, एचएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन तीनों ने एक कमिटी बनाई है जिसने इलेक्शन कमिश्नर्स को चुना है, और वो इलेक्शन कमिश्नर्स को फिर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा है। इससे पहले जो कमिटी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन वो फिर इन्होंने अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नलीफाई कर दिया, और कमिटी में 2 रूलिंग पार्टी के बंदे हो गए और 1 ऑपोजिशन का बंदा हो गया। तो यहां पर थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी में कमी आई इलेक्शन कमिश्नर्स की, ठीक है। अब इलेक्शन से बिल्कुल पहले ऐसा हुआ तो ये भी गड़बड़ी थी। दूसरी चीज क्या हुआ, एक ईडी और सीबीआई दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी शक्तियों का, इलेक्शन से पहले कर रहे हैं जो काम ये इलेक्शन के बाद कर सकते थे, इलेक्शन से पहले अभी ये दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज को डिसफंक्शनल कर रहे हैं। और एक ट्रेंड ये भी देखा गया है कि अगर ऑपोजिशन पार्टी का इंसान रूलिंग पार्टी में आ जाता है तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं होता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, वो मेरा सगा नहीं है, होए अगर किसी ने रिश्वत ली है तो उसको फांसी दे दो हिंदुस्तान में, वो बात सही है, बट अगर वो इंसान दल बदल ले
और फिर उसके सारे केस माफ। दिक्कत यहां है, दिक्कत सीबीआई और ईडी के काम करने में नहीं है, दिक्कत उनके निष्पक्ष काम करने में है कि वो निष्पक्षता से, न्यूट्रलिटी से, वो भेदभाव न्यूट्रलिटी से काम नहीं कर रहे और वो भेदभाव कर रहे हैं, वो ऑपोजिशन और रूलिंग में फर्क कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और ये सारी चीजें मिली हुई हैं। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया, इलेक्शंस अनाउंस कर दिए, अब देश का मालिक कौन हो जाता है? इलेक्शन कमीशन हो जाता है। अब इलेक्शन कमीशन के पास प्लेनरी पावर्स आ जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स तो नहीं आएंगी, बट 324 कह रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। अगर सारी ऑपोजिशन के मेंबर मैं जेल में डाल दूंगा, इज द इलेक्शन परसीव टू बी फ्री एंड फेयर? नो, दिस इज द बिगेस्ट इशू। वो फ्री एंड फेयर नहीं रहता इलेक्शन अगर मैं सिर्फ ऑपोजिशन के मेंबर्स को टारगेट करता हूं। और इसलिए लोग ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, वो बिल्कुल रोक सकता है ईडी और सीबीआई के डिसीजन को, रिवर्स कर सकता है कि भाई या तो 6 महीने पहले करना था अरेस्ट, या फिर इलेक्शनों के बाद करना, फिलहाल हमें इलेक्शन करवाने दो अच्छे ढंग से, फ्री एंड फेयर तरीके से, क्योंकि ये जो तुम बंदे पकड़ रहे हो ये कोई सड़क चलते बंदे नहीं है, ये सिटिंग सीएम है, दिल्ली का सीएम है, जिसको दिल्ली की जनता ने 70 में से 60 वोटें देकर जिताया है, 90% संपूर्ण बहुमत है यार, 90% ही हैज गॉट वोट सीट शेयर इन द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड नॉट वंस थ्राइस, 3 बार जीता है केजरीवाल और 2 बार सरकार बनाई है, पहली बार कोलिजन, दूसरी बार 67, तीसरी बार 63। और फिर आम आदमी पार्टी के सारे बंदे कहां छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर। मुझे दिक्कत ही यहां है, मैं कह रहा हूं 70 के 70 आम आदमी पार्टी के बंदे टांग दो, अगर वो रिश्वत लेते हैं तो सबको जेल में डालो, लालू को भी, मीजा को भी, नीतीश को भी, सबको डालो जेल में। बट प्रॉब्लम क्या है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो रही है यहां, एंड इफ यू आर इन माई पार्टी देर इज नो केस अगेंस्ट यू। सो दिस इज वॉट द पीपल आर सेइंग, एंड जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। सबको समझ में आ रहा है? वॉट इज डॉक्सिंग एंड वॉट मेजर्स? ओके, डॉक्सिंग क्या है? आई डोंट नो। द एक्ट ऑफ डिजिटली पब्लिसाइजिंग अ पर्सनल प्राइवेट इज कॉल्ड डॉक्सिंग। ओके, it allow abusers and criminals with thousands of miles away to target the victims by putting their private details online for others to exploit, obviously. Okay, Sushant Singh Rajput ko kaha ja raha tha Riya Chakrabarti ne mara, kaha ja raha tha, media ne uske pure kapde utare, media ne trial kiya, what does it mean doxing, aur wo kaise kiya, tathyon par baat nahi kar rahe, तुम ये बात करो कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई को या पुलिस को यह सबूत मिला है और कोर्ट ने यह फैसला दिया, नेशनल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ब्यूरो ने यह फैसला दिया, तब तुम ये बात करो। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? वो यहां जाती है, वो जिम जाती है, वो ये खाती है, वो ये पहनती है, यहां सोती है, इसके साथ सोती है, सुबह इतने बजे जागती है, ये गाड़ी में, ये क्या बात हुई भाई? तुम उसकी पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन क्यों डिक्लेयर कर रहे हो? डॉक्सिंग। या फिर मेरी पर्सनल डिटेल्स, मेरी निजी जिंदगी के बारे में, जो कि मैं बहुत ज्यादा प्राइवेट रखता हूं, उसके बारे में तुम लोग क्या कर रहे हो? शुभम सर को हमने ठेके पर देखा, ही इज अ ड्रंकर्ड, उसके साथ ही खोखा था, नवरात्रे चल रहे हैं, सिगरेट तो चलो अलाउड होती है, तो शराब भी पी रहे हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं, है ना, इनकी हमने इनको हमने अपनी महिला मित्र के साथ देखा, ऐसी चीजें, फोटो ही डाल दी मेरी, है ना, हैक कर लिया मेरा अकाउंट, पर्सनल चैट्स हैक कर ली, रिलीज कर दी ऑनलाइन, स्क्रीनशॉट डाल दिए उसके, व्हाट नॉनसेंस। एवरी पर्सन हैज अंडर आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी द राइट टू प्राइवेसी एज पर दी पुट्टास्वामी। सो डॉक्सिंग ये है, मेरे को एक टर्म के बारे में नहीं पता था आज से पहले, अखबार में मैंने पढ़ा, हाँ अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो लॉयर कह रही है कि एविडेंस रखो शिकायत करने के लिए, बस
और कोई चीज नहीं है इसमें कि इंटरव्यू में ऐसा पूछ लेते हैं कि आज यू नो व्हाट इज डॉक्सिंग, यूपीएससी में आई डोंट नो कभी आएगा ऐसा सवाल या नहीं। अभी एक दूसरे के इलेक्शन मैनिफेस्टो आए हैं, अब पार्टियां इस पर भी कीचड़ उछाल रही हैं। मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बोली है, आप यूपीएससी के स्टूडेंट होने के नाते इसको जस्टिफाई कर सकते हो। उन्होंने बोला है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद भी आ जाएं अगर पृथ्वी पर तो भी वो संविधान नहीं बदल सकते। हाउ विल यू जस्टिफाई दिस एज अ यूपीएससी स्टूडेंट? मोदी जी हैज रिसेंटली सेड, आई रिपीट माई क्वेश्चन, मोदी जी हैज रिसेंटली सेड even if Dr. Ambedkar comes from heaven to earth, even he will not be able to change the constitution today. Why is he saying so? Obviously, he hasn't read, I don't think Modi ji has read Lakshmikant, but still, you are my political science students, so you tell me, ki wo aisa kyun keh rahe hain? Kya cheez rokegi Dr. B.R. Ambedkar ko samvidhan ko badalne se? Basic structure, mool dhancha, Kesho Nanda Bharti judgment, Minerva Mill judgment, बिल्कुल सही, एक शब्द में इसका आंसर है एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब ये मत कहना कि सर डॉक्टर अंबेडकर आएंगे थके हुए होंगे इसलिए नहीं बदल पाएंगे संविधान, या अंबेडकर जी आएंगे अब उनकी आंखें कमजोर हो गई होंगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे, बूढ़े हो गए होंगे ना, वो और ज्यादा चश्मा बढ़ गया होगा या चश्मा ऊपर भूल आए होंगे इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे संविधान, बदल नहीं पाएंगे, है ना, या संविधान रब नहीं हो पाता परमानेंटिंग क्या संविधान में इसलिए नहीं बदल पाएंगे, बहुत लंबा बना दिया था गलती से उन्होंने, अब बदलना मुश्किल है। डोंट से ऑल दैट, से ऑब्वियसली यू विल नॉट से ऑल दिस, जोक्स अपार्ट, व्हाट यू विल से, सर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, केशवनंदा भारती ने भी ये कहा है, जो हमारे जो जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारे ओरिजिनल फाउंडिंग फादर्स थे संविधान के, उन लोगों ने जो सोचा था, जो उनके मन में प्रतिमा थी संविधान की, जो उनके मन में इमेज थी संविधान की, हम उस इमेज को नहीं, उस छवि को नहीं बदल सकते, जो उसका मूल भाव था, जो उसमें इंटेंशन छिपी हुई थी, जो उसमें सोच लगी हुई थी, हम उस सोच को नहीं खत्म कर सकते। हम छोटे मोटे संशोधन कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, हम अच्छी चीजें डाल सकते हैं, शिक्षा को हमने मौलिक अधिकार बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया, अनुच्छेद 21 कैपिटल ए में, आर्टिकल 21 ए में वी डिक्लेयर्ड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, वी कैन डू पॉजिटिव थिंग्स एंड अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द नीड्स ऑफ द टाइम, अर्लियर इट वाज अ डीएसपी, नाउ इट इज अ एफआर, तो वी कैन डू दैट, बट अदरवाइज नो, यू कांट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चेंज द फेस ऑफ इट। इंदिरा गांधी ट्राइड टू डू इट 42nd CA 1976 में, लेकिन फिर से रिवर्स कर दिया, और मिनर्वा मिल्स में फिर से केशवनंदा भारती को जिंदा कर दिया गया, केशवनंदा भारती जजमेंट का भी कत्ल कर दिया गया था 73 में, जजमेंट हुई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड में क्या हुआ, केशवनंदा भारती को भी बहुत सारे क्लॉजेस हटा दिए गए थे, रिवर्ट कर दिया गया था उसको, बट उसके बाद मिनर्वा मिल्स 1980 इट रीइंस्टेटेड व्हाट केशवनंदा भारती का एसेंस एंड द बेसिक फीचर एंड द बेसिक स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको जाननी है ना, अपने आंसर्स में ऐसी चीजें लिखनी है। और कुछ खास नहीं है आज के अखबार में, कैंपेन के बारे में, बंदर बाट चल रहा है, नेता लोग आपके घर के दरवाजे पर अब दहलीज पर झुक कर आएंगे, वो कहते हैं ना कि गरीब की रोटी में, गरीब की थाली में रोटी है साहब, या गरीब की थाली में चावल है दाल भात है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनाव आ गए क्या आ रहे हैं, वही बात है। इंडिया सीरियसली कंसर्न्ड ओवर ईरान इजराइल हॉस्टिलिटीज, ये तो हमने बता ही दिया, डायरेक्टली तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तुम पूरे रीजन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, मिडल ईस्ट एज अ रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्टॉक मार्केट का वो है वैल्यूएशन एंड प्राइस का, आपको नहीं पढ़ना स्टॉक्स को कैसे वैल्यू किया जा रहा है, कैसे प्राइस रखा जा रहा है, नो यू डोंट हैव टू रीड दिस। अटैकिंग इजराइल ईरान टर्न्स शैडो वॉर इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल, व्हाई इज ही कॉलिंग ईरान टर्न्स शैडो वॉर इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन वाज इट अ शैडो वॉर, शैडो वॉर क्या था ईरान का,
ये लाइन पढ़िए आप, बड़ी खूबसूरत लाइन है। बाय अटैकिंग इजराइल ईरान टर्न्स शैडो वॉर इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। या ईरान टर्न्स शैडो वॉर इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। इससे पहले इजराइल की लड़ाई कहां चल रही थी बताइए। या या दीपिका, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। गरीब की थाली में चावल आया है, लगता है कहीं चुनाव आया है। यस यस इज एब्सोल्युटली राइट। गरीब की थाली में चावल आया है, लगता है कहीं चुनाव। हाँ वही बात मैं कह रहा था। पीपल आर लिसनिंग, लोग सुन रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आई एम लाइकिंग इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। सो देखो, शैडो वॉर मतलब छुपकर तो वो युद्ध कर ही रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया, हमास को वेपन कौन दे रहा था? ईरान। हिजबुल्ला को हथियार कौन दे रहा था? ईरान। ईरान तो पहले ही हथियार दे रहा था। ये तो डायरेक्ट युद्ध अब उसने शुरू कैसे करा? उसने सीधा अब इसराइल की धरती पर खुद अपनी जमीन से बम फोड़ दिया। पहले वो इनडायरेक्टली कर रहा था युद्ध। इनडायरेक्टली युद्ध लड़ना इज व्हाट शैडो वॉरफेयर। शैडो मतलब परछाई, तुम खुद नहीं हो, तुम्हारी परछाई तुम्हारी जगह है। दैट इज कॉल्ड अ शैडो वॉर। अभी कैसा वॉर है? अभी डायरेक्ट वॉर है। ये फर्क है, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, हिजबुल्ला की बात भी आ गई। इजराइल स्ट्राइक साइट इन ईस्ट लेबनन, हिजबुल्ला फायर्स रॉकेट एट गोलान हाइट्स। तो ये तो मैंने पहले ही आपको बोला है, जो दो खेमे हैं, जो दो कैंप हैं, इजराइल और अमेरिका है, चुपचाप उसको परछाई में और भी लोग उसकी मदद कर रहे होंगे, अमेरिका के दोस्त, नेटो वाली कंट्रीज। और जो ऑपोजिशन कैंप है, हमास की मदद हिजबुल्ला कर रहा है, ईरान कर रहा है, और ईरान की मदद चाइना और रशिया पक्का कर रहे हैं। ईरान की भी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि वो युद्ध लड़ सके। अभी खाने के पैसे नहीं है वहां लोगों के पास, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो जरूर कोई ना कोई इनके पीछे शक्तियां लगी हुई हैं, तभी ये युद्ध हो पा रहा है। आज इतना ही, इसमें कुछ खास नहीं है। आज मैंने सारे मुद्दे डिस्कस कर दिए, एक एक एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस करा, एक एक न्यूज जो यूपीएससी के लिए है वो डिस्कस करी। रोज हम 10 बजे सुबह ऐसे ही मिला करेंगे और ये किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। या एक मिनट में रुका हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन बच्चों को जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आई विल वेट फॉर 30 seconds एंड देन आई विल गो। या फिर आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं विद्यापीठ वाले नंबर पर 8278276543। यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट अस फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। कुछ भी आपको प्रेपरेशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कोई डाउट हो, वी विल ऑल बी टैकलिंग यू। और एक्सपैंड कर रहे हैं अब हम अपनी टीम को, और ज़्यादा हमारे साथ कोर्सेज भी जुड़ेंगे, लोग भी जुड़ेंगे। समथिंग न्यू इज़ कमिंग अप, सो स्टे ट्यून्ड। चलिए, थैंक यू।